अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आज मैं आपको सुपर एशिया का रूम कूलर दिखा रहा हूँ जिसका मॉडल नंबर है ECM 5000 ऑटो कूल स्टार। आप ये देख रहे होंगे कि ये इसका यहाँ पे पंखा लगा हुआ है और इसकी मूविंग किसकी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे हमें लेवल दिया हुआ है, हम इसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। और अगर हम नीचे चलें तो ये इसका टब है जिसमें हम पानी डालते हैं और ये यहाँ पर इसका लेवल दिया हुआ है जो भी यहाँ तक भरा हुआ है। आप ये देख रहे होंगे कि अब ये आधे से ज़्यादा लेवल भरा हुआ है। अब हम इसके पैनल की तरफ चलते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये टच पैनल है, एक इसके अंदर बटन वाला आता है जो बटन से ऑन ऑफ होता है, लेकिन ये टच पैनल है, इसको हम टच से स्टार्ट और ऑफ़ कर सकते हैं। ये वाला जो है ये पैनल नहीं है, सिर्फ ये स्टिकर यहाँ पर लगाया हुआ है, या इसका जो पैनल है वो यहाँ से यहाँ तक पैनल है। हम इसको ऑन और ऑफ़ यहाँ से कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हाई और लो, और मूविंग को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ऑन और ऑफ़। अगर हमें मूविंग चाहिए इसकी राइट और लेफ़्ट, और अगर हमें कूलिंग चाहिए तो ये इसकी कूलिंग हम यहाँ से इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एक रिमोट दिया जाता है जो भी मैं आपको दिखाऊँगा रिमोट, और हमें यहाँ पर टैंक दिया जाता है जिसमें हमें ये बोतलें दी जाती हैं। हम इसको डिफ्रीज़र में जमाते हैं ताकि इसमें आइस हो जाए और हमारे रूम कूलर में से ठंडी ठंडी हवाएं आना लग जाएं। आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर सिर्फ केमिकल है जिसको हम जमा देते हैं। और अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया, अभी ये ऑन नहीं हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी इसका पंखा चल नहीं रहा है। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, यहाँ से इसका बटन है, आइए मैंने इसको ऑन करा तो इसका पंखा भी यहाँ पर चलने लगा है। अब मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी हल्की आ रही होगी क्योंकि अब इसकी भी आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये है सुपर एशिया का ESM 5000 ऑटो। इसकी अगर हम हवा की बात करें तो हवा बड़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ठंडी हवा है इसकी। वही मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फ़ैन स्पीड अभी इसकी लो पे हुई हुई है और हाई पे अभी हम कर सकते हैं। ये देखें अब ये हाई पे चली गई, और अगर हम इसको दोबारा से दबाऊंगा तो लो पे चली जाएगी। अगर मैं इसको मूविंग पे करता हूँ तो ये मूविंग भी इसकी चालू हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे कि ये मूव भी होना शुरू हो गया है। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि ये इसकी स्टिक्स जो हैं वो मूव करना शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर ये मूव हो रहा है। और हम यहाँ से इसकी मूविंग बंद करते हैं तो हम यहाँ से मूविंग इसकी बंद कर सकते हैं। अगर हमें कूलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी कोई पानी नहीं आ रहा है। जब हम इसका कूल का ऑप्शन खोलते हैं, ये देखें, जब मैंने यहाँ से कूल का ऑप्शन देखें, मैंने कूल का ऑप्शन खोला तो यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया है। जब पानी इन बोतलों से टकराएगा तो वो पानी भी ठंडा हो जाएगा, तो जिससे हमारी और कूलिंग बढ़ जाएगी। अभी भी अच्छी खासी ये ठंडी हवा दे रहा है, गर्मी का मौसम है, मई चल रहा है और अच्छी खासी अभी भी गर्मी पड़ रही है, और यहाँ पर ये अच्छी ठंडी हवा दे रहा है। तो फ्रेंड्स, तो अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस जो है 23,500 रुपये है जो मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ, और इसकी एक साल की वारंटी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है टेक अल्टीमेट ताहा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।